यूके बीएनपी की जानिब से लीड से एक बार फिर मुंतब होने वाले लेबर एमपी फेबियन हैमिल्टन और नोमंथ ब्लाडमेयर कौंसलर खान के एजाज में एक ऐशाइये का अहतमाम किया। इस तकरीब में पार्टी कारकुनान और सियासी और समाजी मायदीन की एक बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका महफिल ने दोनों मुअज्जज़ अराकीन की कम्यूनिटी के लिए खिदमात को सराहते हुए नई दिल्ली मुबारकबाद पेश की और इस अमर का इरादा किया कि मुस्तकबिल में भी वो कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की आवाज़ हर सियासी और समाजी फोरम पे उठाते रहेंगे। सभी लोगों ने और खासकर फेबियन ने जो पहले भी हमारी सपोर्ट की इस स्टैंड के साथ जो है हमारे साथ वो खड़े हुए हैं, वो आज भी जो है ना हमारे उसी नैरेटिव को जो है ना उन्होंने सपोर्ट किया है। प्रोग्रेसिव लोगों का जो कश्मीर के हवाले से एक वाजी और दो टोक मौकफ रखते हैं, हम उनके साथ हमेशा जो हमारी इस चीज़ का एहतराम करते हैं कि वहाँ पे एक सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है और लोगों का हक दिया जाए कि वो लोग फैसला करें कि वो क्या चाहते हैं। कश्मीर के मामले में बातचीत करते रहते हैं। इस वक्त कश्मीर की सिचुएशन क्रिटिकल सिचुएशन है। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर द कश्मीरी कम्युनिटी, फॉर द पाकिस्तानी कम्युनिटी। आई एम नॉट गोना बी द लॉर्ड मेयर, द पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड द कश्मीरी कम्युनिटी इज गोना बी द लॉर्ड मेयर ऑफ द सिटी। द लेबर पार्टी हैज ऑलवेज अंडरस्टूड दिस। वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन फॉर पीपल टू डिसाइड हु दे वांट टू बी, who they should be and which direction they're going in. Nobody should impose that upon them. Nadeem Rathore, Geo News, Leeds.